अनुरोध करूंगा एडीएम श्री जितेंद्र मिश्रा जी का बुके देकर स्वागत करें। एडीएम सर बुके दे रहे हैं, जोरदार तालियां, तालियों में गड़गड़ाहट नहीं है, एक बार जोरदार बजा दीजिए। थैंक यू। अब हमारे जो स्टेट रिसोर्स पर्सन है श्री राजेश मेहतानी जी, मैं कई बार इनका वार्ता भाग ले चुका हूँ, बहुत अच्छे रिसोर्स पर्सन हैं। और जब हम लोग 2 बजे निकलेंगे तो जो ये अधिनियम है इसकी बारीकियों से जानकारी और जो थोड़ा बहुत भय है वो भी दूर हो जाएगा। तो श्री राजेश मेहतानी साहब का मैं SDM सदर साहब से अनुरोध करूँगा कि बुके देकर स्वागत करें। अब हमारे बीच में प्रभारी पुलिस अधीक्षक महोदय श्री OP सिंह सर हैं। मैं SDM गिरोर साहब से अनुरोध करूंगा कि ब्यूटे देकर के पुलिस अधीक्षक महोदय का स्वागत करें। अब मैं राज्य सूचना आयोग की ओर से रजिस्ट्रार श्री जितेंद्र मिश्रा जी हमारे बीच में हैं, तो ये प्रशिक्षण शुभारंभ के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि सर आशीर्वचन के रूप में हम लोगों का ये जो कार्यशाला है प्रारंभ करते हुए आशीर्वचन देने का। मंचासीन जनपद मैनपुरी के समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, मेरे सामने बैठे हुए सूचना का अधिकार अधिनियम की रीढ़ की हड्डी जन सूचना अधिकारी गण एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी गण, आप ससमय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और भारी संख्या में उपस्थित हुए हैं। यह परिलक्षित करता है कि आपके अंदर इस प्रशिक्षण के प्रति संजीदगी है, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, और यह भी परिलक्षित करता है कि आप RTI के प्रार्थना पत्रों से रूबरू हो रहे हैं, उनका निस्तारण कर रहे हैं, और आपके मन में अनेकों शंकाएं हैं जिनको लेकर आप यहाँ पर कुछ अपेक्षाओं के साथ आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यह कार्यक्रम नितांत महत्वपूर्ण है। नितांत शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि जो हमारा एक्सपीरियंस है 2.5-3 साल का, उसमें यह देखा गया है कि जन सूचना अधिकारी के समक्ष जैसे ही RTI एप्लीकेशन आती है तो वो व्याकुल और विचलित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई बर्डन आ गया है, अब इसका डिस्पोजल करना एक मजबूरी है, और उसमें कई तथ्यात्मक और विधि के बिंदुओं की अज्ञानता के कारण उनसे भागते हैं, उनको रखे रहते हैं, उन प्रार्थना पत्रों को 30 दिन से ज्यादा अपने पास रखे रहते हैं। तो ये एक आवेदक को मौका मिलता है कि आपके विरुद्ध वो कार्रवाई करने के लिए आयोग के समक्ष प्रार्थना पत्र देता है। मेरा ये विश्वास है श्री मेहतानी के आप उद्बोधन के बाद, प्रशिक्षण के बाद, आज जो आप ये 2 या 2.5 घंटे का समय यहाँ पे तल्लीनता के साथ डूब कर इनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, तो आज के 2.5 घंटे आपके प्रति माह, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, 25 घंटे की बचत करेंगे। जो प्रार्थना पत्र आपको 2 घंटे 3 घंटे या 4 दिन लगते थे निस्तारण करने में, आप देखते ही निस्तारण कर देंगे उसका। तो इन्हीं शब्दों और अपेक्षाओं के साथ मैं श्री मेहतानी से निवेदन करूंगा कि वो अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रारंभ करें, और आपसे ये निवेदन करूंगा कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम
कुछ स्लाइड्स के माध्यम से आपको, ये दोनों तरफ स्क्रीन है और एक पीछे, इस पे आपको स्लाइड्स दिखाई जाएंगी, आप उसको पढ़ते रहिएगा। आपको एक एक पैकेट मिला है जिसमें आप लोगों ने खोल लिया उसको, उसको खोल के उसकी सारी किताबें सामने फैला दीजिए। जिनको नहीं मिला उनको उपलब्ध करा दें। एडीएम साहब, अच्छा अगर उपलब्धता नहीं होगी तो आप अपने बगल वाले जो महानुभाव हो उनसे कंसल्ट कर लीजिएगा और आपको बाद में उपलब्ध करा दिए जाएंगे अगर कोई संख्या में कमी है। ये आपको जो दिया गया है पूरा एक कंपाइलेशन जो है, इसमें एक ये जो कलर्ड पतली सी किताब है वो इन्हीं स्लाइड्स का प्रिंट आउट है। जो ये स्लाइड्स चलेंगी इनका प्रिंट आउट है, जो ये कलर्ड वाला आप देख रहे हैं, तो आप इसको मैच कर सकते हैं। अगर आपको वहां पढ़ने में दिक्कत है तो आपने प्रिंट आउट में पढ़ते रहिएगा साथ साथ। दूसरी ये जो मोटी किताब है, ये मोटी किताब, इसे हम लोग आरटीआई की बाइबल कहते हैं, आरटीआई की होली बुक कहते हैं। तो आरटीआई की होली बुक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम अंग्रेजी और हिंदी में, सूचना का उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 अंग्रेजी और हिंदी में, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और जो समय समय पर शासनादेश हुए वो लास्ट में देखेंगे तो आपको शासनादेश का संग्रह भी मिल जाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण किताब कहते हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि किताब आप तक पहुँचाई गई है, आपको मिली है। जिनको नहीं मिली है उनको उपलब्ध करा दी जाएगी, वो बिल्कुल निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक निवेदन और है कि जो भी स्लाइड चल रही होगी उस स्लाइड से संबंधित आपके मन मस्तिष्क में अनेकों प्रश्न उठेंगे, तो आप जो भी आपके प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जो भी आपके दिमाग में आते हैं, उन्हें आप नोट कर लीजिएगा। एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम वी विल टेक ईच एंड एवरी क्वेश्चन, और एक घंटा डेढ़ घंटा जितना भी समय लगेगा, 2 बजे या 3 बजे जितना भी समय लगेगा, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के उपरांत ही हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। कभी कभी ऐसा देखा गया पूरे पिछले प्रशिक्षण कार्यक्रम में कि हम प्रारंभ में ही वो प्रश्न पूछ लेते हैं जो 4 स्लाइड या 5 स्लाइड के बाद जिनका जवाब सामने होता है। तो आज एक विशिष्ट निवेदन आप लोगों से है कि अपने क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और कैसा भी क्वेश्चन हो, व्यावहारिक हो या एक्ट के नियमों से जुड़ा हुआ हो, आयोग की कार्यशैली से जुड़ा हो, आयोग में किस तरह सुनवाई होती है उससे जुड़ा हुआ हो, आपका कोई मीठा या खट्टा अनुभव हो, हर तरह की बात शेयर करेंगे तो सब लोग लाभान्वित होंगे। श्री मेहता जी, आदरणीय रजिस्ट्रार महोदय, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, मैनपुरी के मुख्य विकास अधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, एडीएम साहब, एसडीएम साहबान और इस कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे जन सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी, आप सभी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और उसके अंतर्गत बनाई गई उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 से संबंधित इस प्रशिक्षण सत्र में हार्दिक स्वागत है। कृपया अपने मोबाइल फोन्स को साइलेंट मोड में लगा लें ताकि कार्यक्रम आवाज गति से चलता रहे। थैंक यू वेरी मच। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इस अधिनियम का प्रयोग तो आप करते रहे होंगे पहले, जरा इसका थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड देखेंगे तो फिर आगे समझने में आसानी रहेगी कि ये अधिनियम क्यों आया, किस वजह से आया और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या है। आप सभी जानते हैं कि भारत में जितने भी कानून हैं उन सभी कानूनों की माँ कौन है, मदर ऑफ ऑल लेजिस्लेशन क्या कहेंगे आप। देखिए, हम चाहते हैं कि इंटरेक्टिव रहे, मेरी क्लास में बोलने पर प्रतिबंध नहीं है, आप फागर फाकर बोल सकते हैं एनीबडी,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सभी लोग सहमत है इससे। तो जितने भी कानून है, सभी कानूनों का जन्म भारत के संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद से होता है या किसी न किसी अनुच्छेद से लिंक रहता है, ये भी कह सकते हैं। और संविधान में प्राविधान दो प्रकार से होते, नंबर एक एक्सप्लिसिट प्रोविजन, जिसको कभी कभी हम एक्सप्रेस प्रोविजन भी कहते हैं, और दूसरा इम्प्लिसिट प्रोविजन, अर्थात जब हम एक्सप्लिसिट प्रोविजन कहते हैं तो कहते हैं संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा। अच्छा भाई जी, संविधान क्या है जरा इस पर थोड़ा देख लें, वो संक्षेप में। संविधान कब लागू हुआ देश में? 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान की, जो उस दिन की जो कॉपी थी, क्या केवल उतना ही संविधान है? नहीं, जो तत्पश्चात जो समय समय पर संविधान संशोधन होते गए वो भी संविधान है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर संविधान के विभिन्न प्राविधानों की जो व्याख्याएं की, हम कह सकते हैं कि वो भी संविधान का हिस्सा है। ये जो एक्सटेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे? उन्हीं को है। जो व्याख्याएं उन्होंने की वो भी उसका हिस्सा है। तो सुप्रीम कोर्ट समय समय पर संविधान के विभिन्न जो प्राविधान है, उनके विभिन्न अनुच्छेद है, उसकी जो व्याख्याएं करते हैं और उसके कुछ और इंप्लाइड मीनिंग भी हमें बताते हैं, कुछ निहितार्थ भी बताते हैं। तो जो निहितार्थ बताया जाता है तो हम ये कहते हैं ये इम्प्लिसिट प्रोविजन है, ये इंप्लाइड मीनिंग भी है, इसका ये अर्थ भी है। तो सुप्रीम कोर्ट समय समय पर व्याख्याएं करते रहते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट्स में कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जानने का अधिकार अंतर्निहित है, वो उसी का एक अंग है। कई बार कहा, 2005 से बहुत पहले। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सूचना का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) से उत्पन्न एक मूल अधिकार है। यदि कोई व्याख्या में बताया जाता है कि ये मूल अधिकार का जन्म इससे हो रहा है तो उसे भी मूल अधिकार के तुल्य कह सकते हैं आप। जब सूचना का अधिकार हम समझ गए कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) से उत्पन्न एक मूल अधिकार, दिस इज फंडामेंटल राइट, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने समझाया, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सूचना का अधिकार भारत के नागरिकों को 26 जनवरी 1950 से प्राप्त है। पता नहीं था, वो बात अलग है, पता बहुत देर में चला, क्योंकि अनुच्छेद 19 कोई संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं आया, वो पहला दिन जिस दिन भारत में भारत का संविधान लागू हुआ उस दिन भी अनुच्छेद 19 था, ठीक है। अब ये बात तो कोर्ट ने बता दी, 2005 से बहुत पहले बता दी थी, 70s से ही बताना शुरू कर दिया था। लेकिन इस अधिनियम के आने से पहले यदि भारत के नागरिक के रूप में आप किसी सरकारी कार्यालय में जाते और कतिपय सूचनाओं की मांग करते, या भारत का कोई नागरिक आपके कार्यालय में आता और आपसे कुछ सूचनाओं की मांग करता, तो क्या आपको मिल जाती या आप दे देते? यस और नो? नहीं। अच्छा, आप संविधान की प्रतिलिपि अपने साथ ले जाते और सुप्रीम कोर्ट के उन तमाम जजमेंट्स को भी अपने साथ ले जाते, तब भी क्या सूचना मिलना संभव था? हाँ या ना? नहीं था ना। तो निष्कर्ष ये निकला कि ये चिन्हित हो जाने के बावजूद कि सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है,
व्यवहारिक रूप से ये अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त नहीं हो पा रहा था। अंग्रेजी में कहते हैं प्रैक्टिकल रिजीम ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन, ये नहीं था, प्रैक्टिकल रिजीम नहीं था, सैद्धांतिक रूप से था, थ्योरेटिकली था, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं था। तो 2005 में जब ये अधिनियम आया तो ये कोई नया अधिकार भारत के नागरिकों को नहीं दे रहा, बल्कि जो अधिकार पूर्व से ही भारत के नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान किया जा चुका है उसे व्यवहारिक और वास्तविक बनाने के लिए एक प्रोसीजरल लॉ बना दिया, ताकि राइट टू इंफॉर्मेशन का प्रैक्टिकल रिजीम इस देश में स्थापित हो सके। अधिकार पुराना है, अधिनियम नया है, और अधिनियम इसलिए आया, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इनेबलिंग लॉ है कि जो फंडामेंटल राइट है उसको वास्तविक रूप से प्रदान करने के लिए एक इनेबलर के रूप में ये लॉ आया। ठीक, अब आगे चलिए, नेक्स्ट एक परिचय देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड आप समझ चुके हैं, इसकी अवधारणा और उद्देश्य। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम, अब मैं पूरा बोल रहा हूं अधिनियम अधिकार नहीं, अब मैं कानून की बात कर रहा हूं। आपने ये देख लिया कि अधिकार तो था, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में लागू है। इस अधिनियम के कुछ उद्देश्य जो मैंने इस अधिनियम की प्रस्तावना से लिए, इस अधिनियम के प्रीएम्बल से लिए हैं, कुछ मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड आपको मालूम हो गया तो अब समझने में आसानी रहेगी। पहला, नागरिकों के सूचना के अधिकार को कार्यान्वित, अर्थात जो अधिकार पहले से था 12 अक्टूबर 2005 से पहले से था उसे कार्यान्वित करने के लिए व्यवहारिक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना। अब ये बात क्लियर हो गई, अगर वो बैकग्राउंड ना हो तो ये लाइन क्लियर ना होगी। अधिकार तो था, उसे कार्यान्वित नहीं हो पा रहा था, तो कार्यान्वित करने के लिए व्यवहारिक प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करना। दूसरा, लोक प्राधिकरण, ये नया शब्द है आपके लिए, इसकी परिभाषा अभी हम आगे देख लेंगे। अभी समझने के लिए इसे हम अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन समझ लें, हालांकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अतिरिक्त भी हैं, वो हम आगे देखेंगे। लोक प्राधिकरण के नियंत्रण में उपलब्ध सूचना तक नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करना और प्रत्येक लोक प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही, ये दो चीजें क्यों चाहिए? ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाना संभव हो सके। नेक्स्ट, देखिए ये आज जो है ट्रांसपेरेंसी एक ग्लोबल फिनोमिना हो गया, पूरी दुनिया में ट्रांसपेरेंसी की धूम है, और ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता की इस यात्रा में हम अर्थात भारत हम अकेले नहीं। ये आपके सामने मैंने विश्व का मानचित्र रखा है, इसमें जो आपको हरा रंग दिख रहा है ये दुनिया के वो 110 देश हैं जहां पारदर्शिता संबंधी कानून किसी ना किसी रूप में, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सूचना का अधिकार किसी न किसी रूप में लागू है, ये वो 110 देश हैं, अर्थात हमारे अलावा 109 देश और भी हैं, और ये यात्रा चल रही है, इस यात्रा में हम अकेले नहीं है। जो पीला रंग देख रहा है ये वो देश हैं जहां पर सूचना का अधिकार या पारदर्शिता से संबंधित कानून अलग अलग नामों से हो सकते हैं उन्हें लागू किया जाना विचाराधीन है। जब हमने ये प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया था, ये थर्ड राउंड चल रहा, जब हमने प्रारंभ किया था तो ये 110 देश नहीं थे, 98 थे उस समय, अब ये तीसरा राउंड आते आते 110 हो गए। यदि ईश्वर ने चाहा अगर फिर हम मिले तो उसमें बहुत सा पीला रंग हरा हो चुका होगा जैसे कि पूर्व में हो चुका, और ये थोड़ा सा जो व्हाइट कलर आपको दिख रहा है सफेद हिस्सा, ये वो देश है जहां अभी न तो सूचना का अधिकार लागू है और न ही विचाराधीन। नेक्स्ट, हमने अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य भी देखा, इसके पहले राष्ट्रीय परिदृश्य देखा, संवैधानिक पृष्ठभूमि के बारे में बात की। हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में अधिनियम आ जाने के उपरांत क्या स्थिति थी वो देखी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्रारंभ से अंत तक बिगिनिंग टू एंड निर्धारित करने के लिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स या समग्र नियमावली नहीं थी। एक नियमावली थी, वो शुद्ध नियमावली थी, वो छोटी सी, इसमें कोई
प्रक्रिया नहीं दी गई थी कि आवेदन का निस्तारण कैसे, क्योंकि समग्र नियमावली नहीं थी, उसकी वजह से कुछ परेशानियां थी, कुछ समस्याएं थी, जैसे आवेदनों के निस्तारण में विलंब होता था, क्योंकि हमारे अधिकारी विशेष रूप से जो इस अधिनियम की धुरी है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है जन सूचना अधिकारी, उनके पास निर्णय लेने के लिए स्पष्ट आधार और मापदंड न होने के कारण निर्णय लेने में विलंब होता था, और यह भी कहा जाता था कि निर्णय की गुणवत्ता भी वांछित स्तर की कभी कभी नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे नागरिक जो सूचना चाहते थे प्रायः असंतुष्ट होकर आयोग तक जाते थे और सूचना आयोग में अपीलों और शिकायतों की भरमार लगने लगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात